अजमेर के सरवाड़ में एक पत्नी को अपने प्रेमी के साथ भागना इस कदर महंगा पड़ गया कि चार अपनों ने उससे नाता ही तोड़ लिया, मानो जैसे वो कोई गैर हो। इन चार लोगों में वो शख्स भी शामिल है जिसके साथ वो प्यार में अंधी होकर भागने को तैयार हुई थी। आजकल की युवा पीढ़ी आधुनिकता एवं भौतिकवाद में आकर अपने माता पिता का कहा अनसुना करके अपने प्रेमी के साथ भग जाती है, प्रेमी के साथ शादी रचा लेती है जो सक्सेस नहीं होती है। ऐसा ही वाकया हमारे निकटवर्ती गांव खीरिया में हुआ, जहां पे एक लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई और उनकी एक बच्ची भी हो गई, फिर भी उसके पति ने उसको नकार दिया। आज वो दर-दर की ठोकरें खा रही है, न तो उसका पति उसको रखने के लिए तैयार है, न उसके पियर वाले उसको रखने के लिए तैयार है और न उसके ससुराल वाले उसको रखने के लिए तैयार है। दरअसल नीतू कंवर को उसके पति ने जयपुर कोचिंग के लिए भेजा था, लेकिन वो फेसबुक पर बने फ्रेंड रवि मीणा से प्यार कर बैठी और दोनों ने भाग जाने का फैसला किया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों प्रेमी और प्रेमिका को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया। जब मामला सरवाड़ थाने पहुंचा, तो प्रेमी ने ये कहकर नीतू को अपनाने से इनकार कर दिया कि उसका एक पति और एक 5 साल का बच्चा है, इसलिए वो उसे साथ नहीं रख सकता। वहीं जब नीतू कंवर ने पति का हाथ थामना चाहा, तो उसने भी सामाजिक मजबूरी बताते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया। वहीं माता पिता का दामन थामने को तैयार हुई नीतू को उसी के परिवार ने भी धुतकार दिया और सभी लोग थाने में नीतू को अकेला छोड़कर वापस चले आए। एक विवाहित महिला है जिसने मोबाइल के जरिए सोशल साइट के जरिए एक लड़के से दोस्ती की, वो ऑलरेडी शादीशुदा है, महिला ऑलरेडी शादीशुदा है और उससे सिर्फ देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, कौन है, क्रिमिनल है, अच्छा है, बुरा है, उससे मोबाइल पे बात की, सोशल साइट पे बात की और घर से निकल गई बच्चे को छोड़ के। और उसका रिजल्ट ये रहा कि वो आज ना उसके परिवार वाले उसको अपनाने के लिए तैयार है, ना ससुराल वाले अपनाने के लिए तैयार है। नीतू की एक छोटी सी गलती ने आज उसे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया। ना तो उसे पति का साथ मिला, ना परिवार का और ना ही प्रेमी का। नतीजन अकेली पड़ गई नीतू को मजबूरन नारीशाला अजमेर भेजना पड़ा। बालमुकुंद वैष्णव, जी मीडिया सरवाड़।